गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मायोफाइब्रिल्स इन द मसल फाइबर। तो अभी सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स इज आल्सो नोन एज मायो फिलामेंट्स। दीज आर नथिंग बट दी, ये एक्चुअली क्या है, दीज आर दी लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज मस फिलामेंट्स इन द मसल सेल। ये एक्चुअली क्या है, दीज आर दी नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स इन मसल सेल्स। ठीक है, मसल सेल्स के अंदर पैरेलली अरेंजमेंट फिलामेंट्स को बोलते हैं मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स। एंड ईच मायोफाइब्रिल्स इज कंसिस्ट ऑफ अ टू प्रोटीन्स। किससे बनते हैं, टू प्रोटीन से बनते हैं, मायोसिन एंड एक्टिन। तो एक्चुअली जो मसल सेल्स को जो स्ट्राइटेड अपीयरेंस होता है, दिस स्ट्राइटेड अपीयरेंस इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ दिस टू प्रोटीन्स। तो ये दोनों के वजह से इनका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न गिव्स स्ट्राइटेड अपीयरेंस टू मसल सेल। ठीक है, मसल सेल को जो स्ट्राइटेड अपीयरेंस आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है, ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। ये पैरेलली अरेंज होंगे उसके वजह से उसको स्ट्राइटेड अपीयरेंस आता है। इसी वजह से मसल सेल को स्ट्राइटेड मसल सेल्स भी बोला जाता है। ठीक, तो अभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि मायोसिन और एक्टिन जो प्रोटीन्स है वो कौन से चीज से बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्या है, दीज आर दी पॉलीमराइज प्रोटीन। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल भी प्रोटीन्स है। ठीक है, दीज आर दी स्ट्रक्चरल प्रोटीन और ऑल्सो दीज आर अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन के उनके बीच अंदर वो एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो अभी ये प्रोटीन्स किससे बनते हैं, तो वो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे मायोसिन के बारे में और यहाँ पे हम देखेंगे एक्टिन के बारे में। ठीक है, ये दोनों प्रोटीन के वजह से हम बोल सकते हैं कि मसल सेल के अंदर जो सार्कोप्लाज्म में ये पैरेलली अरेंज होते हैं। तो मायोसिन प्रोटीन है तो ये अमाइनो एसिड से बनेगा या इसका कोई तो भी एक हम बोल सकते हैं मोनोमर होगा क्योंकि पॉलीमराइज प्रोटीन है। तो मायोसिन का मोनोमर होता है मीरोमायोसिन। क्या रहेगा मायोसिन का, मीरोमायोसिन इज द मोनोमरिक यूनिट ऑफ मायोसिन। और यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन का जो मोनोमर होता है वो होता है जी प्रोटीन। जी स्टैंड फॉर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अभी ये जो जी प्रोटीन्स होते हैं दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंट्स। तो फिलामेंट के फॉर्म में अरेंज होंगे और दो फिलामेंट के फॉर्म में अरेंज होंगे, इसीलिए एक्टिन को फिलामेंटस प्रोटीन भी बोला जाता है। एक्टिन इज ऑल्सो नोन एज फिलामेंटस प्रोटीन। क्यों, देखो यहाँ पे ये जो जी प्रोटीन है ये जी प्रोटीन्स अरेंज होंगे, दे आर हेलिकली अरेंज इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंट। ठीक, ये एक फिलामेंट हो गया, सिंगल फिलामेंट, सेकंड फिलामेंट, ये भी जी प्रोटीन्स। जी प्रोटीन्स क्या हो रहा है, हेलिकली अरेंज हो रहे। ठीक है, और ये इसके साथ फ्यूज रहेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपके फिलामेंट्स। कितने फिलामेंट्स यहाँ पे बन गए, टू फिलामेंट्स, वन एंड सेकंड। और ये फिलामेंट किससे बने हुए हैं,
जी प्रोटीन से बने हैं, सिंगल जो है यूनिट ये है जी प्रोटीन्स, और ये फिलामेंट्स में अरेंज हुए इसलिए इसको हम बोलेंगे फिलामेंटस प्रोटीन। तो एक्टिन इज ऑल्सो नोन एज फिलामेंटस प्रोटीन, ठीक, क्योंकि फिलामेंट के फॉर्म में अरेंज है। अभी इसका यदि स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिंगल मीरोमायोसिन का हम स्ट्रक्चर निकालेंगे, तो सिंगल मीरोमायोसिन इज कंसिस्ट ऑफ ठीक है इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा। इस तरीके से द सिंगल मीरोमायोसिन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, वन इज हेड, सेकंड इज दिस इज क्रॉस आर्म, इसको हम बोलेंगे क्रॉस आर्म, एंड थर्ड वन इज टेल, ठीक टेल। तो टेल एंड क्रॉस आर्म फॉर्म अ लाइट मीरोमायोसिन, ये क्या फॉर्म करते हैं दोनों मिला के लाइट मीरोमायोसिन, और इसको यदि हम शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो LMM, ठीक, और हेड फॉर्म अ हेवी मीरोमायोसिन, ठीक है, और इसका शॉर्ट फॉर्म HMM। व्हाट इज मीन बाय हेवी, मींस इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, और इन केस ऑफ द लाइट मीरोमायोसिन कंसिस्ट ऑफ अ लेस नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, इसमें कम इसमें ज़्यादा, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर हो गया मीरोमायोसिन का, ऐसे नंबर ऑफ मीरोमायोसिन्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। तो सिंगल मायोसिन प्रोटीन्स, ऐसे नंबर ऑफ मायोसिन प्रोटीन्स क्या रहेंगे, अरेंज रहेंगे। तो देखो अभी यदि हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो किस तरीके से वो अरेंज रहेंगे, तो ये हो गया हमारा एक मायोसिन जिसमें नंबर ऑफ क्या रहेंगे, ये इस तरीके से मीरोमायोसिन प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पे भी सेम वैसे ही, ठीक है, इस तरीके से द नंबर ऑफ मीरोमायोसिन्स कम टूगेदर टू फॉर्म अ सिंगल मायोसिन प्रोटीन। तो ये मायोसिन्स, उसके बाद सेकंड नीचे मायोसिन्स, और ऑल दिस मायोसिन्स आर पैरेलली अरेंज एंड लॉन्जिट्यूडिनल टू द मसल एक्सिस, मसल जो होगा वो मसल के अंदर वो लॉन्जिट्यूडनली अरेंज होंगे और पैरेलल टू ईच अदर। तो सिमिलर वे में ये जो एक्टिन का स्ट्रक्चर है, एक्टिन का फिलामेंट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, दिस इज एक्टिन फिलामेंट, ये है आपका एक्टिन फिलामेंट जो पैरेलली और कुछ ओवरलैप करता है मायोसिन्स को, इस तरीके के अरेंजमेंट। और उसके बाजू में हम और निकाल लेंगे स्ट्रक्चर्स को, मायोसिन यहाँ पे भी मायोसिन्स, ठीक है, ये भी मायोसिन्स, इस तरीके से मायोसिन्स मायोसिन्स प्रेजेंट रहेंगे और दोनों के बीच में आपके क्या प्रेजेंट रहेंगे, एक्टिन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे और एक्टिन निकाल लेते हैं, यहाँ पे एक्टिन, यहाँ पे भी एक्टिन, यहाँ पे भी एक्टिन, और यहाँ पे भी एक्टिन, ये है आपके एक्टिन, और दिस वन इज मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। तो ये हो गई उनकी अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट टू ईच अदर। अभी यदि हम इसके स्ट्रक्चर इसका फंक्शन देखेंगे तो हेड एक्ट एज अ एटीपेज एंजाइम, हेड कैसे काम करता है, एटीपेज एंजाइम जैसे वो काम करता है, मींस हेल्प इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, एटीपी मॉलिक्यूल को तोड़ने में हेल्प करेगा। तो वो कैसे करेगा, दिस हेड हैज़ अ टू बाइंडिंग साइट, उसके पास दो बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, वन फॉर एटीपी, वन फॉर एटीपी, एटीपी बाइंडिंग साइट जिसको एटीपी बाइंड करेगा, ठीक है, एटीपी बाइंडिंग साइट, और सेकंड वन इज
सेकंड वन इज एक्टिव साइट, एक्टिव साइट, और ये साइट किसके लिए है? फॉर द एक्टिन बाइंडिंग, एक्टिन बाइंडिंग के लिए, एक्टिन मॉलिक्यूल के बाइंडिंग के लिए है, ठीक। तो ईच हेड हैज़ अ टू बाइंडिंग साइट, वन फॉर द एटीपी एंड सेकंड फॉर द एक्टिन प्रोटीन। और यहाँ पे इस एक्टिन प्रोटीन के अंदर अगेन टू प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर हेलिकली अरेंज अलोंग द लेंथ ऑफ जी प्रोटीन, या हम बोल सकते हैं एक्टिन प्रोटीन। तो जो प्रोटीन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। उस प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे? ट्रोपोमायोसिन। तो देखो दो ट्रोपोमायोसिन होंगे, एक इस तरीके से, ठीक है, दिस इज वन ट्रोपोमायोसिन और सेकंड वन इज दिस इज अगेन अ ट्रोपोमायोसिन। तो ये दोनों क्या है? दीज आर ट्रोपोमायोसिन्स, ट्रोपोमायोसिन्स, देखो ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन्स कितने होंगे? टू इन नंबर, हेलिकली अरेंज अलोंग द लेंथ ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन, और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर डिस्टेंटली लोकेटेड होंगे ट्रोपोनिन। क्या प्रेजेंट रहेंगे? ट्रोपोनिन। देखो ये स्ट्रक्चर ट्रोपोनिन, दिस इज ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन। तो यहाँ पे अभी कितने प्रोटीन्स हो गए? फोर प्रोटीन्स हो गए, वन इज मायोसिन, सेकंड वन इज एक्टिन, थर्ड वन इज ट्रोपोमायोसिन, फोर्थ वन इज ट्रोपोनिन। तो ऑल दीज फोर प्रोटीन्स आर कंसिडर्ड एज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ मसल सेल्स। तो दिस ट्रोपोनिन हैज़ अगेन बाइंडिंग साइट फॉर द हेड ऑफ द मायोसिन। तो यहाँ पे जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन के पास क्या प्रेजेंट रहेगा? ट्रोपोनिन हैज बाइंडिंग साइट फॉर हेड ऑफ मायोसिन, ठीक है, मायोसिन के हेड के लिए भी बाइंडिंग साइट है, प्लस इसके अलावा उसके पास कैल्शियम बाइंडिंग साइट भी है, प्लस इनिबिटर बाइंडिंग साइट भी है। तो ट्रोपोनिन हैज अ थ्री बाइंडिंग साइट, ठीक। तो अभी देखो यहाँ पे जो ये मायोसिन प्रोटीन है, दिस मायोसिन प्रोटीन फॉर्म अ डार्क बैंड। क्या फॉर्म करता है? ये डार्क बैंड फॉर्म करता है, डार्क बैंड। तो आपको यदि हम मसल सेल्स देखेंगे, डार्क बैंड, मसल सेल हैज टू बैंड, वन इज डार्क बैंड एंड सेकंड वन इज लाइट बैंड। डार्क बैंड कंसिस्ट ऑफ मायोसिन प्रोटीन एंड द लाइट बैंड कंसिस्ट ऑफ लाइट बैंड कंसिस्ट ऑफ एक्टिन प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक। दिस डार्क बैंड इज ऑल्सो नोन एज एन आइसोट्रॉपिक बैंड, इसको ही हम क्या बोलते हैं? अनआइसोट्रॉपिक या अनआइसोट्रॉपिक, ठीक है, अनआइसोट्रॉपिक बैंड एंड आइसोट्रॉपिक बैंड। और यदि इसका शॉर्ट फॉर्म देखा जाए तो इज ऑल्सो नोन एज ए बैंड, ठीक है। तो ए बैंड कंसिस्ट ऑफ मायोसिन एंड हियर लाइट बैंड इज नोन एज आइसोट्रॉपिक बैंड एंड शॉर्ट फॉर्म इज आई बैंड। तो आई बैंड कंसिस्ट ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल, ए बैंड कंसिस्ट ऑफ मायोसिन प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक। अभी ये जो मायोसिन प्रोटीन है इज ऑल्सो नोन एज थिक फिलामेंट, इसको क्या बोलते हैं? थिक फिलामेंट, ठीक है, जिसकी लेंथ होती है 1.5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। और यहाँ पे दिस एक्टिन प्रोटीन इज नोन एज थिन फिलामेंट, ठीक है, और जिसकी लेंथ होती है 1 माइक्रोमीटर। तो इस तरीके से मसल सेल्स के दो
इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स है मायोसिन एंड एक्टिन्स। अभी ये किस तरीके से वर्क करते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।